कोरोना द्वितीय लहर बाहरी सारा देश में अनलॉक होउछि किंतु या भितर आसीछि कोरोना संपर्कित एक बड़ खबर आगको बढ़ी पारे कोरोना संक्रमण भारत में महामारी तृतीय लहर आरंभ हो अक्टोबर तृतीय लहर शीर्ष छुईब एथिरे पिलांक प्रति अधिक विपद अछि कोरोना तृतीय लहर संपर्क में केन्द्र गृह मंत्रालय पक्षर दिया एक रिपोर्ट में एने सतर्क कर तृतीय लहर में वयस्क मान पड़े शिशु मान प्रति विपद रही समस्त प्रस्तुति करने को रिपोर्ट में कहु पिला टीकाकरण उपर अधिक गुरुत्व दिह गृह मंत्रालय अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम विशेषज्ञ मैंने रिपोर्ट प्रदान करते गणमाध्यम प्रकाशित खबर अनुसार तृतीय लहर को नजर रखी देशर विभिन्न प्रस्तुति खासकर शिशु को नजर रखी व्यवस्था करा किंतु रिपोर्ट में कहुई जदि तृतीय लहर पिलाने अधिक संख्यार संक्रमित हूँ तेज जीक संख्यार डाक्तर कर्मचारी चिकित्सा सरंजाम वेंटिलेटर आंबुलांस आदि आवश्यक हम सेमिति व्यवस्था कौटि भी ना यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय बा पीएमओ को दि जाए गत मसर नीति आयोग सदस्य बीके पॉल अध्यक्षत गठित एक कमिटी तृतीय लहर संपर्क में सरकार को एने परामर्श देते जो कहुला देश में भविष्य प्रति 100 जन संक्रमित मध्य 23 जन को डाक्तरखाना भर्ती करने पर सरकार को प्रस्तुत करने को संख्या द्वितीय लहर तुलन में अधिक 2020 सेप्टेम्बर द्वितीय लहर समय नीति आयोग एक कमिटी कर आकलन ठारिक से प्रति 100 जन संक्रमित मध्य 20 जन डाक्तरखाना भर्ती होता कहुला यह कमिटी कोरोना तृतीय लहर पूर्व सरकार को संपर्कित परामर्श देते नीति आयोग कहवा कथा आमको सबुठ खराब परिस्थिति प्रस्तुत रहा हम नीति आयोग देश में दैनिक 4-5 लाख कोरोना संक्रमण अनुमान करस कहुचे आसंता मस 2 लाख आईसीयू बेड प्रस्तुति होचित एथस भेन्टिलेटर सह 1,20,000 आईसीयू बेड आईसीयू बिना 7 लाख हस्पिटाल बेड ए 5 लाख अक्सीजेन व्यवस्था या 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड व्यवस्था करने को कहु सेभरे डीएमडी डाक्तर सीबिके महांती कहते तृतीय लहर जदि आसे ए पाने अधिक प्रभावित हे विशेषज्ञ मैंने सेप्टेम्बर कि अक्टोबर तृतीय लहर आसे संक्रमण पिक में पहुंची पारे जितेबाला देश में दैनिक संक्रमण 4 लाख छुईपे आकलन करदि सेमती है ओडार दैनिक 14,000 संक्रमित हेर आशंका रही तेज तृतीय लहर मुकबिला आमको प्रस्तुत रहाक पड़ राज्य समस्त प्रस्तुति छुआ चिकित्सा समस्त व्यवस्था कर परसेंटेजटा निश्चित भाव अधिका हम जदि भी तृतीय लहरी आसे ओडिशार लोकसंख्या भारत लोकसंख्यार के 3.6% जदि 4 लाख हुए ओडिशार आम एक्सपेक्ट करवा पिक बेले अराउंड 14,400 आसवे तेणु से अनुसार सी भी जहाँ कहते आपड़ देखते आईसीयू बेड के दरकार पड़े भेन्टिलेटर 2.2% तामने दैनिक प्राय 70 दरकार है गोटे पेसेंट 10 दिन रहे तो 700 दरकार तेरे से अनुसार देखते सरकार आगु ताटू बहुत अधिक परिमाण में प्रस्तुत अच्छा जदि तृतीय लहर में सामग्रिक भाव संख्या बढ़े तेज पिला संख्या भी बढ़े स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहते तृतीय लहर पिक पीरियड में शिशु मैंने अधिक संक्रमित हो पारती कितु से 100 जन शिशु 23 जन को डाक्तरखाना भर्ती करार आवश्यकता रही पाए वर्तमान स्थिति को देखिले एवं राज्य में शिशु को डाक्तरखाना भर्ती कर आवश्यकता पड़ू ना एवं शिशु संक्रमण हार 12-13% रही द्वितीय लहर संक्रमण 64 दिन पर शेष में पहुंची तृतीय लहर पिक पीरियड केवे अपेक्षा करने को पड़े स्वास्थ्य निर्देशक कहते सब कोविड हॉस्पिटल शिशु मानक चिकित्सा पर स्वतंत्र व्यवस्था करा कटक शिशु भवन सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी करदि एवं शिशु संक्रमण जटिलता बेसी ना तथा स्क्रीनिंग चालू रखा पड़ो दैनिक संक्रमण हार को निरीक्षण करने को पड़ो गत 3 दिन भितर कौन शिशु भेन्टिलेटर को जाए ना कि अक्सीजेन आवश्यकता पड़नी स्वास्थ्य निर्देशक आम द्वितीय लहर रु जाइना बर्तमान आप देखते भुवनेश्वर भी आम से 200-300 से रही तेणु लहर सदा बेले आम जाणी रखा द्वारा ये लहर उपर मुझे बेसी जीवनी गोटे पैंडेमिक रिपीटेड सर्ज हुए रिपीटेड सर्ज रे लहर रे आम जानी आगु आमको एक्सपर्ट मैंने आमको देखते तागिद कर दैर इज ए चान्स जोटी सेप्टेम्बर हो पारे दैर इज ए चान्स एडोलेसेंट पिला बेसी हो पारे दैट इज ए चान्स चिल्ड्रेन मैंने बेस इफेक्ट हो पारती आपड़ व्यवस्था करतु पिक पीरियड में हस्पिटालाइजेसन रेट 23 रे कि बर्तमान आमर हस्पिटालाइजेसन रेट अधिका ना आपत देखु से जोटा करागर 15% भितर पिला पजिटिट भितर रर्तमान से 11-12-13% नेशन वाइड रोचे
ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଲହରଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପିକ୍ ନିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନିସିଆଲ ହେଲା ତା'ର 30 ଦିନରୁ ନେଇକରି 60 ଦିନ ଭିତରେ 64 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲାଥର ଦେଖିଲେ ଆମେ 64 ଦିନରେ ପିକ୍ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ